रफाही इदारों के दस्तरखानों पर रश बढ़ गया। यौमिया 5 लाख अफराद 3 वक्त पेट भरते हैं। होशरुबा महंगाई और बेरोज़गारी के बायस अब सफ़ेद पोश घरानों के लोग भी यहाँ का रुख करने लगे। राशन, माली इमदाद और अद्वियात के लिए रुजू करने वालों में इजाफा। कराची में बढ़ती हुई बेरोज़गारी और होशरुबा महंगाई के बायस रफाही इदारों के दस्तरखानों पर खाने के लिए आने वालों की तादाद में इजाफा हो गया है। जबकि माहाना राशन, माली इमदाद और दवाइयों के लिए भी ज़रूरतमंद अफराद रफाही इदारों के चक्कर काटने लगे हैं। शहरियों का कहना है कि रफाही इदारे साहली मजाफाती और कच्ची आबादियों के अंदर भी दस्तरखान लगाएं। वाज़ेह रहे कि कराची में छीपा, सैलानी, ईदी, अलखिदमत और अलमगीर ट्रस्ट समेत दीगर रफाही इदारे मुफ्त दस्तरखान लगा रहे हैं। जहाँ सुबह, दोपहर और शाम का खाना खिलाया जाता है, दस्तरखानों पर गदागर, नशई, बेरोजगार और कम तनख्वाह वाले अफराद खाने के लिए आते हैं। इसके अलावा बेवाएं, परेशान हाल गरीब खवातीन और बच्चे भी आते हैं। तमाम अब्बास सफेद पोश घरानों के अफराद भी यहाँ का रुख करने लगे हैं। मुख्तलिफ रफाही इदारों के मुताबिक शहर में सुबह, दोपहर और शाम के खाने पर लगभग 5 लाख से ज्यादा अफराद आते हैं, जिनमें हजारों खवातीन और बच्चे भी होते हैं। मौजूदा हालात में जहाँ गरीब तबका फाके का शिकार है, वहीं मिडिल क्लास का तबका भी परेशान है। दूसरी जानी बेरोजगारी का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। शहर में ठेला तारा लगाने वाले लाखों की तादाद में है, लेकिन उनमें से बेशतर लोग कारोबारी सिलसिला कम होने पर घरों पर बैठ रहे हैं। मुतबादिल वसाइल नहीं है, इसलिए लोग बीवी बच्चों के साथ मिल या अकेले दस्तरखानों का रुख कर रहे हैं। रफाही इदारों का कहना है कि गुज़िश्ता 2-3 माह के दौरान दस्तरखानों पर तादाद बढ़ गई है और रोजाना दस्तरखानों के इंचार्ज अपने इदारों को बताते हैं कि खाने में इजाफा करें क्योंकि लोग ज्यादा आ रहे हैं। शिपा फाउंडेशन के तर्जमान चौधरी शुजात हुसैन को उम्मत को कहना था कि कराची में उनके 100 से ज्यादा सेंटर्स पर दस्तरखान लगते हैं, जबकि हेड ऑफिस गोरा कब्रिस्तान के करीब बड़ा दस्तरखान लगता है। उनके दस्तरखान पर सिक्योरिटी गार्ड, चौकीदार, नशा करने वाले, गदागर, मजदूर तबका और बेरोजगारी से मुतासर शहरी आते हैं। खवातीन को अलग खवातीन स्टाफ खाना देती हैं। उनका कहना था कि रोजाना हजारों लोगों के लिए 3 वक्त का खाना तैयार किया जाता है, जबकि 2 माह के अंदर ये तादाद दुगनी हुई है। ईदी फाउंडेशन के साथ ईदी का कहना है कि दस्तरखान पर आने वालों की तादाद बढ़ गई है, जबकि माना राशन लेने वालों और दवाई मुफ्त हासिल करने वालों की तादाद भी दुगनी हो चुकी है। गुर्बत और बेरोजगारी ने लोगों की चीखें निकाल दी हैं। अलखिदमत दस्तरखान के जिम्मेदार जमील का कहना था कि गुर्बत, बेरोजगारी और महंगा इलाज ना कराने की सख्त रखने वालों की तादाद दिन ब दिन बढ़ रही है। इसी तरह दस्तरखान पर खाना दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और लोग माहाना राशन के लिए भी इदारों के चक्कर लगा रहे हैं। उनका कहना था कि दोपहर और शाम को हजारों की तादाद में लोग खाने के लिए आते हैं और हमारे कारकुन रजाकार किसी का नफ्स मजरू नहीं होने देते, सबसे इखलाक व मोहब्बत से पेश आते हैं। इब्राहिम हैदरी, काम करने वाली कोस्टल मीडिया सेल के सरबराह कमाल शाह का कहना था कि साहली इलाकों में मुखय्यर हजरात जो बांटने के लिए राशन देते हैं, इसको लेने वालों की तादाद बढ़ रही है। शहर में बड़े बड़े रफाही इदारे दस्तरखान लगाते हैं। उनसे गुजारिश करूंगा कि साहली बस्तियों में बिलखसूस इब्राहिम हैदरी, चश्मा गोट और रेडी गोट के इलाकों में भी दस्तरखान लगाने और राशन बांटने का सिलसिला शुरू किया जाए कि गरीब माहीगीर और इनके अहले खाना फाकों का शिकार होते रहते हैं। रेडी गोट में काम करने वाले रफाही तंजीम बानी वेलफेयर के बानी मजर बानी का कहना है कि खुद मुखय्यर हजरात से राब्ते करते हैं, जो खाना या राशन देते हैं वो इलाके में आकर मुस्तहिक गरीब लोगों, बिलखसूस बेवाओं, माजूर अफराद को राशन और खाना देते हैं। उनका कहना था कि बड़े रफाही इदारे इन इलाकों में दस्तरखान लगाएं या खाना पार्सल करके बांट दिया करें कि यहाँ परेशान हाल तबका ज्यादा है। सीलानी दस्तरखान के जिम्मेदार तौफीक का कहना था कि इनको इदारे के सरबराह की जानिब से हिदायत है कि खाना खाने के लिए आने वालों को मत देखो कि इसकी पोजीशन क्या है, इनको इखलाक व मोहब्बत से बिठा कर खाना खिलाएं। उनका कहना था कि सन्नती जोन्स कच्ची आबादियों के अंदर दूसरे शहरों से कराची आकर रोजगार करने वाले अफराद, बिलखसूस सिक्योरिटी गार्ड, कम तनख्वाहों की वजह से चौकीदार, मजदूर तबका ज्यादा आता है। आजकल तादाद बढ़ती जा रही है। रोजनामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।